जी कैफ टू लेक्चर 5 स्टार्ट। इन सवालों में कोई मसला हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई मसला नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में सैलरी नहीं दी हुई, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कैपिटल गेन है और बिजनेस है। अब आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन मैंने खोला है क्वेश्चन 4 का, तो यहाँ आप अपने समझने के लिए लिख लेंगे सैलरी और लिखेंगे 0। ठीक है, जब आप 0 लिख लेंगे तो सैलरी 0 आ गई, कैपिटल गेन 350, बिजनेस 2 लाख, 550 माइनस 150 4 लाख आ गया। 4 लाख के जब 75% लेंगे तो क्या जवाब आया, 3 लाख। अब 3 लाख को आप कंपेयर करें 0 से, क्योंकि सैलरी है ही नहीं ना, तो 3 लाख को कंपेयर करें 0 से। अब अगर 3 लाख को 0 से कंपेयर करें तो 0 क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसलिए टेबल 1 लगेगा। तो अगर सैलरी नहीं है तो मीन सैलरी 0 है। भाई ये लास्ट रो में जगह बनाएं, एक ही दफ़ा ज़रा जगह बना दें, इधर भी मोहतरम ये इन 2 रोज में जगह बना दें, ये बैग नीचे रख लें या हुक पे लटका दें, इधर भी 2 रोज में जगह, भाई एक ही दफ़ा जगह बना दो ज़रा हिम्मत करके। ओके आगे चलें, भाई ए सी चलाओ, चलो पेज 10 पे आ जाएं। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, भाई ये सेटिंग क्यों करनी पड़ी है, सेटिंग हुई नहीं, अच्छा कर लो तसल्ली से जो करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। तो शोहर कह रहे हैं मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, बीवी कह रही है मैं 5 लाख कमा रही हूँ, अब 15 लाख को जाके टेबल में देखेंगे, ज़रा बताएं, शोहर अलग काम कर रहा है, बीवी कोई अलग काम कर रही है, तो 15 लाख को जाके टेबल में देखेंगे, क्या कह रहे हैं, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। तो शोहर अपने लिए अलग से यकसुई में बैठ के टेबल देखेगा और बीवी अकेले में बैठ के अपने लिए अलग से टेबल देखेगी और फिर डिसाइड करेंगे किसका कितना टैक्स बनता है। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल बोले शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। ओके डिसीज्ड इंडिविजुअल, द बचे हुए ऑफ अ मरा हुआ बंदा शैल बी लायबल, द बचे हुए ऑफ मरा हुआ बंदा शैल बी लायबल, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल। तो अगर मरने वाला मरने से पहले कोई टैक्स जमा कराए बगैर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इसके जिम्मेदार होंगे, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्स दैट इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल इफ ही हैड नॉट डाइड। इंग्लिश जरा समझिएगा, इफ इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, द टैक्स दैट द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, वो टैक्स जिसके लिए वो लायबल होता अगर वो ना मरता, तो अगर वो ना मरता
तो जितना टैक्स उसने देना था अब उसकी जगह कौन देगा? भाई आगे आ जाओ ना, उसकी जगह कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव देंगे। और इसी के साथ साथ उसकी कोई भी जायदाद पे, कई दफ़ा ऐसा होता है मरने के बाद भी अभी तक प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई होती और इनकम कमा रहा होता है मरने वाला। कैसे? मिसाल के तौर पे कोई दुकान थी, उससे किराया आ रहा है, अभी तक वो दुकान तकसीम नहीं हुई, तो उस दुकान का किराए पे टैक्स भी कौन देंगे? उसके वरसा। एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द डिसीज्ड इस्टेट, इस्टेट से मुराद उसकी जायदाद, उसकी जायदाद से जो पैसा आता रहेगा जब तक जायदाद तकसीम ना हो जाए, तो उसके ऊपर अगर कोई टैक्स बनता होगा वो भी कौन देंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पढ़ लें आप एक दो दफा। The legal representatives of a deceased individual shall be liable for the tax जिसके लिए वो liable होता अगर वो ना मरता, और कोई भी tax जो उसकी जायदाद से कमाया गया, यानी कोई भी उसकी जायदाद ने कोई income कमाई, deceased estate ने कोई income कमाई, उसकी income के ऊपर जो टैक्स बना, टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ डिसीज्ड स्टेट, उसकी जो इनकम कमा रही है जायदाद, उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, मिस्टर उमर इज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज अब्बू, जो 2 महीने पहले फोत हो गए। द वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट बाय अब्बू एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 2 मिलियन। अब वो 2 मिलियन छोड़ के गए। हाउएवर एज पर द कमिश्नर इनकम टैक्स, इसमें सारे उनके एसेट्स होंगे, कैश, प्रॉपर्टी, सब कुछ मिला के। एज पर कमिश्नर इनकम टैक्स द टैक्स पेएबल बाय हिम इज रुपीज 3 मिलियन, लेकिन कमिश्नर के मुताबिक टैक्स है 3 मिलियन। हाउ मच मिस्टर उमर इज रिक्वायर्ड टू पे? अब जाहिर बात है मरने वाला जो है वो कितने पैसे छोड़ के गया है? 2 मिलियन, लेकिन टैक्स वाले मुँह खोल के कितना टैक्स मांग रहे हैं? 3 मिलियन। तो अब मैक्सिमम कितना टैक्स पे किया जा सकता है? 2 मिलियन। और अगर बेटे के पास कोई अपनी जाती गाड़ी हो वो नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि वो बेटे की अपनी जाती जायदाद है, तो सिर्फ मरने वाले की जायदाद से टैक्स रिकवर किया जा सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ उमर शैल बी लिमिटेड, किस हद तक? टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद, देयरफॉर ही इज ओनली लाइबल टू पे रुपीज 2 मिलियन। The liability of legal representative shall be limited, unlimited नहीं होगी, limits cross नहीं करनी, shall be unlimited नहीं, shall be limited to the extent of, जहां तक किसकी जायदाद है? deceased बंदे की जायदाद है, वहां तक इसकी liability limit करेगी। Okay. Mr. Umair is appointed as representative of his deceased uncle. The value of the assets left by his uncle at the time of his death amounted to 5 million. Achha ji. Jane wale ne choda kitna paisa? Chodi kitni jayadad? As per commission income tax, tax payable by him was? Further, a bank loan of 2 million is also payable. Chod ke gaya 5. और लाइबिलिटीज कितनी है? टैक्स कितना पे करना है? 4 मिलियन। और बैंक लोन कितने? 2 मिलियन। अब क्या किया जाए? 2 लोग हैं, 4 मिलियन टैक्स वाले मांग रहे हैं, 2 मिलियन बैंक वाले मांग रहे हैं, तो दोनों को प्रोपोर्शनेटली 5 मिलियन बांटा जाए। तो लॉ मेकर कहते हैं नहीं यार, आप पहले टैक्स जमा करा दो बस, बाकी बैंक वालों को आप जितने भी वापस करो वो आपका मामला है, मुझे पहले टैक्स जमा कराओ। तो 5 मिलियन जो ये छोड़ के गया उसमें से पहले क्या जमा कराया जाएगा? इसका
टैक्स जमा करवाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है अगर कोई पैसे बचे तो बाकी लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी। फिर बाकी लाइबिलिटीज़ कैसे पे करें, कम से कम ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि एक वक्त में एक से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हों तो सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी उतारेंगे, टैक्स वाली। ऐसे ही मिसाल दे रहा हूँ, आपने दोस्त को भी पैसे देने हैं और अम्मी को भी पैसे वापस करने हैं, तो पहले आप दोस्त को पैसे देने की कोशिश करेंगे, अम्मी को तो बाद में भी दे देंगे। तो इसी तरह आपने टैक्स भी मारा हुआ है, लोन भी लिया हुआ है, तो पैसे पहले टैक्स वालों को देंगे आप। द लायबिलिटी शैल बी फर्स्ट हक ऑन द डिसीज्ड इस्टेट। लायबिलिटी से मुराद है यहाँ टैक्स लायबिलिटी। ये जो बी है ना, बी वैसे यहाँ हैव अगर हो तो ज़्यादा अच्छा। द लायबिलिटी शैल हैव द फर्स्ट हक ऑन द मरे हुए की जायदाद। पहला हक किसका होगा, टैक्स लायबिलिटी का। द टैक्स लायबिलिटी शैल हैव द फर्स्ट हक ऑन द मरे हुए की जायदाद। ओके भाई, कोर्ट केसेस दो किस्म के हो सकते हैं, क्या मतलब है टेकन विच कुड हैव बीन टेकन, बता दें, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है आप लोगों ने। टेकन विच कुड हैव बीन टेकन, टेकन का क्या मतलब है, क्या उसके मरने से पहले उसके खिलाफ कोर्ट केस हो चुके थे, और विच कुड हैव बीन टेकन का क्या मतलब है, उसके मरने के बाद उसके खिलाफ हो सकते हैं, और अब उसके खिलाफ तो शुरू नहीं किए जा सकते, वो किनके खिलाफ शुरू किए जाएंगे, इसको ये भी तो कह सकते हैं ना, पेंडिंग, मरने से पहले ही उसके खिलाफ शुरू हो चुके हुए थे, और इसको कह सकते हैं अराइजिंग, इसी नाम से आईकैप टेस्ट करता है। पेंडिंग, पेंडिंग का क्या मतलब है, उसके मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया जो केस हुआ है उसका, और अराइजिंग का मतलब है उसके मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। एनी प्रोसीडिंग यानी केस, एनी केस टेकन अगेंस्ट द मरावा बिफोर हिज मरना शैल बी अज्यूम्ड एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द बचावा। क्या एज्यूम किया जाएगा, ये किसके खिलाफ अब हो गया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। द केस विल बी कॉन्टिन्यूड या स्टॉप्ड, स्टॉप नहीं किया जाएगा कि वो मर गया तो चलो छोड़ो यार अब इसको रिलैक्स करने दो, अभी तो कब्र में गया, नहीं। द प्रोसीडिंग विल बी कॉन्टिन्यूड अगेंस्ट द बचे हुए फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर एट द टाइम ऑफ डेथ। प्रोसीडिंग जिस स्टेज पर थी, प्रोसीडिंग जिस स्टेज पर थी, ये स्टेज किससे लफ्ज मिल रहा है, प्रोसीडिंग से। प्रोसीडिंग से क्या मुराद है, कोर्ट केस की जो हियरिंग वगैरह हो रही होती है जिसमें आना जाना होता है उन्होंने, तो वो जो प्रोसीडिंग चल रही थी जिस स्टेज तक पहुंच चुकी थी उससे आगे ही होंगी ना, जाहिर बात है नए सिरे से तो नहीं सारी चीज़ें मंगवाई जाएंगी, यार ये रिकॉर्ड चल रहे थे चलो मंगवाओ ये चीज़ें दोबारा, नहीं नहीं। तो जहां तक काम हो चुका था वेल एंड गुड, आगे काम किया जाएगा। एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द मरावा बिफोर इज मरना शिल बी अज्यूम्ड एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द बचावा। The proceeding will be continued against the bachawa from the stage at which they were at the time of proceedings कर लें क्योंकि they were है ना। अच्छा अब इसको याद कर लें जरा जुबानी। Any proceeding taken against a deceased
मे बी टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव या शैल बी अज्यूम्ड एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द, बोलें जरा दोबारा, एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द डिसीज्ड बिफोर हिज डेथ शैल बी अज्यूम्ड एज हैविंग बीन टेकन अगेंस्ट द, अगली बात जरा खुद ही बनाने की कोशिश करें, द प्रोसीडिंग विल स्टार्ट, बल्कि द प्रोसीडिंग विल बी कॉन्टिन्यूड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज, हाँ फ्रॉम द स्टेज एट विच देवर एट द टाइम ऑफ डेथ। अब कौन सुना देगा बगैर देखे, हाथ खड़ा करें जरा, कोई सुना दे, हाँ हाँ सुनाओ बोलो। Any proceeding which could have been taken against the deceased. बताएं जरा दोबारा, याद करें, Any proceeding which could have been taken against the legal representative. Okay, ये केस वो होंगे जो उसके मरने के बाद अराइज हुए होंगे, यानी कि मरने के बाद पता चलेगा कि मरने वाला ये भी करके चला गया, तो अब वो वाले केसेस भी किन के खिलाफ चलाए जाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मरने से पहले गुजरांवाला में उसकी दुकान थी, उसके खिलाफ कोर्ट केस चल रहा था, मरने के बाद पता चला जाने वाला पत्तों की में भी दुकान बना के गया हुआ है, तो अब वो केस भी जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलाया जाएगा। ओके, वरसा कौन होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, हु इन इस्लामिक लॉ, यानी इस्लामिक लॉ में, लेकिन पेपर ये इस्लामिक कलर्स पेपर में नहीं लिख के आना क्योंकि ये लॉ की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, हु इन इस्लामिक लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, तो जो इस्लामिक लॉ में मरे हुए की जायदाद के हकदार समझे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बोलें लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इंटरमिडल का मतलब क्या होता है, बेजा मदाखलत, नहीं खाली, बेजा मदाखलत, बिला वजह पंगे लेना, बेजा मदाखलत, इंटरफेरेंस शायद जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो अनड्यू, हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड। तो बच्चे ने कहा आप कौन, उसने कहा मैं चाचू हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है। उसने कहा अब्बू ने तो कहा था मेरा भाई नहीं है। हाँ वो अब्बू तुम्हारे भूल गए थे बताना तुम्हें, तो मैं तुम्हारा चाचू हूँ, तो हट जो जनाजा मैं उठाऊँगा, हट जो जायदाद मैं तकसीम करूँगा, कोई नहीं बैंक बैलेंस मैं निकलवा के लाता हूँ, परेशान ना हो, सारे पैसे इंशाल्लाह तुम तक पहुँचाऊँगा, परेशान नहीं होना, तुम मुझे ढूंढते रहोगे फिर। तो ये क्या कर रहा है बंदा, बेजा मदाखलत। कमिश्नर कहेगा चल आ जा, तू भी क्या है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जहरी बात है जब मिठाई बांटी जा रही हो तो इधर उससे लोग तो आके पंगे लेते ही हैं, शादी पे ना भी बुलाया हो तो आ जाते हैं। हु इंटरमिडल्स विद द स्टेट ऑफ, तो ये वही बिन बुलाए मेहमान है जो पता नहीं देख खाने भी लोग चले जाते हैं फोतगी पे, तो ये वो बिन बुलाए मेहमान है जो आके बिला वजह पंगे ले रहे हैं और जायदाद पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको भी क्या कहा जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
जी हिस्सा नहीं मिलता आमतौर पे, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये कोई चीज़ कब्जा कर लें तो वो इन्हीं की चीज़ इसके पास पड़ी होगी ना, फिर इनसे रिकवर की जाएगी। ठीक है, सही हो रहा है। 60 साल के डैड थे, FCA। 55 साल की मॉम थी, थर्टी एट ईयर्स का बेटा था, और इसका भी बेटा था 18 ईयर्स का। ACA नहीं, FSC। अच्छा, तो इसका भी बेटा था 18 साल का। तो कोर्ट केस की हेयरिंग में जब केस चल रहा था, ये बंदा मरा है, इसका बेटा 38 साल वाला इस बड़े बंदे का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब दौराने केस हेयरिंग ये भी मर गया, दौराने केस हेयरिंग ये भी मर गया। अब जाहिरी बात है अगर इसके खिलाफ केस चल रहा था तो इस शहजादे के खिलाफ अब केस चलेगा। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अब वो इस शहजादे के इन बुजुर्गों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, क्योंकि बीच में से अब ये कड़ी टूट गई, तो इसलिए अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये भी जाया करेगा इंशाल्लाह, ये भी जाया करेगा। ओके भाई, ये अब ना व्हाट्सएप ग्रुप में आपने सवाल पूछ लिया ना क्लासों में कि इनकी उम्र क्या होनी चाहिए और किस हद तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनको कहा जा सकता है, और अगर आगे ये भी मर जाए तो फिर क्या होगा। भाई, जिस स्कोप में आपका सिलेबस है इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे, ऑब्वियसली टेक्स तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। इस प्रोविजन के ऊपर आप सवाल पूछने लें तो 2 घंटे सवाल पूछते रहेंगे, तो जितना आई कैप का सिलेबस है, कुछ थोड़ा बहुत मेरा तजर्बा है ही, तो उस पर रिलाई कर लें आप, उसी के मुताबिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, ऑन होम, जिस पर इस्टेट शिफ्ट करे, जिस पे इस्टेट शिफ्ट करे, और ऑब्वियसली सिलेबस का आप अपने नुकसान करें होंगे अगर जो सिलेबस के स्कोप से जितना बाहर जाएंगे उतना एंड पे आपके पास ही टाइम नहीं बचना तैयारी का। ऑन होम इस्टेट शिफ्ट, जिस पर इस्टेट शिफ्ट हो जाए, ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई, अब रिप्रेजेंटेटिव की स्टेट किसको शिफ्ट होगी बाय डिफॉल्ट, नेचुरली किसको शिफ्ट होगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ऐसा क्यों हुआ था, इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ केस। तो यहां पे ये असल में आप समझ लें पोता मुराद होगा, और यहां पे मरे हुए बंदे का बेटा मुराद है, ऐसे ही है ना। जरा देखें देखें, On whom the estate devolves on the death of, on the death of representative, बेटा मरा, if the बेटा, हाँ बिल्कुल, if the बेटा is being sued in a case, on whom से मुराद वो पोता है, वो बंदा, बोले बोले, on whom वो बंदा जिस पे जायदाद shift हो जाए बेटे के मरने पे, वो असल में कौन होगा, पोता होगा, if the बेटा is being सूड इन अ केस, अगर बेटे के खिलाफ केस चल पड़ा था तो अब बेटे के वरसा दादा के वरसा समझे जाएंगे। चलें जी, इसको जबानी याद कर लें जल्दी जल्दी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ऑन होम जायदाद शिफ्ट ऑन द डेथ ऑफ, ऐसा कब हुआ करेगा, if representative is being sued in a case.
क्वेश्चन नंबर 27, आबिद इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज दादा अबू सिंस हिज डेथ ऑन 10 जुलाई 2007। दादा अबू किस साल मरे? टैक्स ईयर 2008 में, क्योंकि 1 जुलाई 2007 से टैक्स ईयर 2008 शुरू हो चुका है। एंड मैनेजेस हिज जायदाद वर्थ रुपीज ऑन 22 जनवरी 2009, काफी सालों बाद 22 जनवरी 2009। He received a notice from the Income Tax Department requiring him to make payment of 0.8 million against his grandfather's income for 2007. 2007 की grandfather की income पे 0.8 million tax जमा करवाओ। The notice also required him to submit details of his grandfather income for 2000. और ये भी बताओ कि grandfather ने 2008 में कितना कमाया। जाहरी बात है 10 दिन तो जिंदा रहे ना। और ये भी बताओ कि grandfather ने 2008 में कितना कमाया। अच्छा, अब ऊपर बात कुछ और है, नीचे सवाल कुछ और है। एडवाइज आबिद अबाउट द ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग और अराइजिंग अगेंस्ट हिज ग्रैंडफादर। अब सवाल उसने ये नहीं पूछा, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, ये नहीं पूछा उसने, तो वो बात बता के आने की जरूरत नहीं है। हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, बोले बोले अप टू द एक्सटेंट ऑफ डिसीज्ड स्टेट, वो बात बाकी आने की जरूरत नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन भी नहीं मांगी इसने, और इसने ये भी नहीं पूछा कि दो तीन लोग हैं पैसे देनी है तो लाइबिलिटी शेल बी द फर्स्ट हक ऑन द डिसीज्ड स्टेट, ये भी नहीं इसने पूछा। तो आज आके सिर्फ एक ही बात पूछी है, एडवाइज आबिद ऑनली अबाउट हिज जिम्मेदारी रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग के बारे में कोई जिम्मेदारी बता दो उसकी क्या है। तो प्रोसीडिंग के बारे में कहां जिम्मेदारी डिस्कस हुई है? 3 का A और 3 का B। हाँ, कोई पॉइंट ए आपने को लिख के आना हुआ, कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल फॉर द टैक्स इफ इंडिविजुअल हैड नॉट बिकम नॉट डाइड, 5 नंबर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 0.3 इज एनफ। 0.3 इज मोर देन एनफ। असल में ये इसके उसने मार्क्स रखे होंगे, 2-2, 2.5-2 एक पॉइंट के मार्क्स इसने रखे होंगे, बस ये 2 पॉइंट ही काफी है। ओके, क्वेश्चन 21, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मुबीन इन अ डिमांड नोटिस इशूड अ डिमांड। डिमांड क्या होता है? पैसे मांगना या देना? मांगना। इशूड अ डिमांड नोट रिक्वायरिंग हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग, क्या होता है? बकाया, बकाया अमाउंट ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2015 अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होता है? पेनल्टी लिख लें, ये लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट होता है। ये असल में ना आने वाले दिनों में हमने पढ़ना है, ये पता नहीं वो आगे वाली लाइन इसने यहाँ क्यों डाल दी है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। दोबारा पढ़े, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मुबीन इशूड अ डिमांड नोट रिक्वायरिंग हिम टू पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज, हाउएवर बिफोर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी मुबीन डाइड इन अ कार हादसा। तो मुबीन से पैसे मांगे, लेकिन पैसे देने से पहले मुबीन अल्लाह को प्यारा हो गया, ये हम लोग समझते हैं अल्लाह को प्यारा हो गया, बाकी अल्लाह को पता होगा अल्लाह को प्यारा। अच्छा जी, अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्क्राइब करें वेदर द टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर मुबीन डेथ। क्या वो मुबीन की डेथ के बाद उसकी लाइबिलिटी रिकवर कर सकेंगे? ये बताएं क्या लिख के आएंगे आप इसमें, बताएं बताएं बताएं, ये बताएं क्या लिख के आएंगे, कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे, कौन सा पॉइंट, ये 1 लिख के आएंगे ना। देखें सवाल उसका, देखें वेदर द टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर टैक्स फ्रॉम आफ्टर मुबीन डेथ, क्या ये मुबीन के बाद इसका टैक्स रिकवर कर सकेंगे? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट, बिल्कुल रिकवर कर सकेंगे। किनसे करेंगे? आपके जहन में और क्या आ रहा है इसमें जवाब? वेदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी एबल टू रिकवर टैक्स, टैक्स वाले टैक्स रिकवर कर सकेंगे मुबीन से उसके मरने के बाद, इसके जहन में इसके बारे में और हम क्या लिख सकते हैं इनमें से? मुझे तो कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा और लिखने का, समझ आई बात? तो क्या क्या लिखेंगे, कैसे रिकवर कर सकते हैं बताएं? थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स।
ये तो पहला सवाल हो गया इसका। अगला सवाल इसका, एंड वट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ सच रिकवरी, और कहाँ तक रिकवर कर सकेंगे, किन से रिकवर कर सकेंगे, ये तो पॉइंट वन में हमने डिस्कस कर दिया ये वाला जो था, और कितना रिकवर कर सकेंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ डिसीज स्टेट। और अगला सवाल, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द, इनिशिएट हो चुकी हैं उसका स्टेटस बताएं अब क्या होगा, उसे मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुकी हैं, ये देख लें, उसको डिमांड नोटिस वगैरह आ गया, केस शुरू हो चुका है उसके खिलाफ, अब बताएं इसका क्या करेंगे। स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग किस लफ्ज से पता चला, प्रोसीडिंग के लफ्ज से, क्लियर। तो प्रोसीडिंग वाला आप कौन सा लिख के आएंगे, सिर्फ ए वाला, बी वाला क्यों नहीं, क्योंकि इनिशिएटेड का लफ्ज उसने लिखा हुआ है अगेंस्ट मुबीन, मुबीन के खिलाफ इनिशिएट हो चुकी हैं, ईडी आखिर में आ रहा है, इनिशिएटेड टू बी इनिशिएट ने लिखा हुआ, क्लियर। अब भाई ये लॉ की लैंग्वेज आपको देखें याद करनी पड़ेगी, अब क्या करें, और रोजाना जाके याद नहीं कर रहे, क्योंकि ये वो जो आपने प्लान बनाया था ना कि संडे को पूरे हफ्ते का याद किया करेंगे, तो बड़ा एक्सेलेंट प्लान है, इस पर इंशाल्लाह अमल आपने करते रहना साथ साथ, इस बार सोचा हुआ आपने उस दिन बताया था कि हमने इस बार तो साथ साथ पढ़े हैं, ठीक है, और संडे को फिर पूरे हफ्ते वाला रिवाइज करते हैं, ज़बरदस्त एक्सेलेंट। ओके चलें जी आगे, सेक्शन 89, ऑथर्स, एक साहब ने बुक लिखनी शुरू की, तो बुक लिखते लिखते कितने साल उनको लग गए, 5 साल, 5 साल, 5वें साल जब उन्होंने बुक लिख के फाइनल की तो उनको पैसे मिले, रॉयल्टी मिली उनके काम की, लोग पहले से ही इंतजार थे बुक खरीदने के लिए, तो 6 मिलियन उनको फर्ज करें आखिरी साल जब बुक लॉन्च हुई, तो लॉन्च होते ही रॉयल्टी मिल गई। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि आपके समझने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि 5वें साल में यहाँ कहीं जाके उसकी बुक कंप्लीट हो गई, तो आखिरी 1-2 महीने जो साल के बचे खूब सेल हुई, बुक किसी दिन मुकम्मल हो गई थी साल ख़त्म होने से 2 महीने पहले। अब ये जो 6 मिलियन है ये इस पे कौन सा सीरियल लगेगा, 6 मिलियन, मैं पेज 5 पे टेबल खोल के देख रहा हूँ, क्योंकि सैलरी वगैरह तो ये कमा नहीं रहा, तो ये तो बुक सेल करके इसको पैसे आए हैं, तो 6 मिलियन, तो यार तो जाने दे, 2 लगेगा, 6 लाख है यार, 6 मिलियन, तो नहीं 8 नहीं लगेगा, बट डज नॉट सी 6 मिलियन, तो कितने परसेंट टैक्स बना, 30% टैक्स बना, क्लियर। 6 मिलियन पे तकरीबन इसने 30% टैक्स देने, हाँ ये अमाउंट भी देनी है, बहरहाल मैं फिलहाल सिर्फ समझने के लिए रेट की बात कर रहा हूँ, तो 30% टैक्स बना किस पे, 6 मिलियन पे। अच्छा अब लॉ मेकर कह रहे हैं नहीं यार तुम रिलैक्स करो, तुम्हें मैं एक ऑप्शन देता हूँ, तुम इस अमाउंट को गिरा के 3 सालों में टैक्स लगा दो, तुम इस अमाउंट को गिरा के 3 सालों पर टैक्स लगा दो, 3 सालों में इस अमाउंट को गिराओ और ब्रेक करके 3 सालों में टैक्स लगा दो, इस अमाउंट के तोड़ के 3 हिस्से करें, 2 मिलियन, 2 मिलियन,
2 मिलियन। अब आप कहेंगे पिछले सालों को बदला जाएगा, जी बिल्कुल, पिछले सालों के टैक्स कैलकुलेशन वो रिवाइज करके दोबारा जमा करवाएगा। अब ये 2 मिलियन एज्यूम किया जाएगा, इसने 2012 में कितना कमाया, 2 मिलियन, 2013 में कितना कमाया, 2014 में कितना कमाया, 2 मिलियन। ओके, अच्छा, अब लॉ का रूल मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले जरा अब आपने जो है इसका फायदा समझने क्या होगा। 6 मिलियन पे फर्ज करें डायरेक्ट रेट 30% लगा देते हैं हम, फर्ज करें डायरेक्ट, फिलहाल भूल जाए 6,20,000 है, 6 मिलियन पे 30%, 6 × 3 = 18, तो 1.8 मिलियन बन गया। ठीक है, तो 6 मिलियन पे कितना टैक्स बन गया बोले, ये इसके पास ऑप्शन 1 है। क्या ये ऑप्शन इसके लिए फिजिबल नहीं रहेगी, 2 मिलियन हर साल में गिरा दे, सोचे कैसे, वो देखें 2 मिलियन तो किसी लोअर में आ जाएगा, 2 मिलियन किस में आ गया, सीरियल नंबर 4 में, और यहां कितना टैक्स है, 15%। तो 2 मिलियन पे जब 15% इस साल देगा, वैसे तो 15% नहीं, मुझे पता है 70,000 भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए 2 मिलियन पे 15%, 3 लाख, अच्छा जी 3 लाख रुपया, इसी तरह 2 मिलियन पे 15%, इसी तरह 2 मिलियन पे 15%, 3 लाख, और 6 मिलियन पे आपने कितना निकाला था, 18 लाख रुपया। अब 6 मिलियन पे 18 लाख दे दे या 6 मिलियन पे 9 लाख दे दे, कौन सी ऑप्शन इसके लिए बेहतर है, 9 लाख वाली ऑप्शन। तोड़ के 3 हिस्से करना बेहतर है या इकट्ठे बेहतर है, तोड़ के 3 हिस्से करना, पूरे पिज्जे को मुंह में डालना बेहतर है या उसके टुकड़े करके खाना बेहतर है, टुकड़े करके खाना बेहतर है। तो 6 मिलियन को इकट्ठे 2014 की इनकम समझा जाए या 6 मिलियन के तोड़ के 3 हिस्से कर दिए जाए, तोड़ के 3 हिस्से कर दिए जाए। तो व्हाट इज ऑप्शन 1 कि उसने कितना कमाया 2014 में, 6 मिलियन। व्हाट इज ऑप्शन 2 कि उसने कितना कमाया है, 2 मिलियन कमाया 2014 में, 2013 में भी 2 मिलियन कमाया, 2012 में भी। किस ऑप्शन को हम ग्रीन सिग्नल दें, हम ऑप्ट करना पसंद करेंगे, वैसे लॉ मेकर ने दोनों चीज़ें आपके लिए खुली छोड़ी हुई हैं, आप जिस मर्जी ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, लेकिन हम ऑब्वियसली ऐसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिससे हमें टैक्स क्या हो, सेव हो। तो ये इसके क्वेश्चन वगैरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अभी मैं पढ़ाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें, उसी क्वेश्चन के नीचे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है किताब पे, यहाँ छोटा छोटा सा नोट कर लें इधर। एक बड़ी अमाउंट को अगर 1 से ज्यादा सालों में गिरा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस गवर्नमेंट को ये फायदा हुआ कि ऑथर्स को इनकरेज किया हुकूमत ने, लेकिन इस तरह के सवाल अगर आप पूछना शुरू कर दोगे ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी होगी। इस तरह के सवाल वैसे मैं तो नहीं इनकरेज करता क्लास में, इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, बस हम लॉ पढ़ें जो हमारे सिलेबस में है। हाँ, ये सिर्फ अभी मैं पढ़ाता हूँ किस किस के लिए है, ये लॉ की प्रोविजन पढ़ के पता चल जाएगा। ओके, मिस्टर आसिफ रिसीव्ड अ लंप सम अमाउंट ऑफ रुपीस एज ऑथर ऑफ अ लिटरेरी वर्क इन 2000। आसिफ टुक to complete his work, how this amount will be taxed in his, he can opt rupees in each year, hona chahiye na, in each year rupees 2 million each, acha wo theek hai, sorry, he can opt 2 million each to be taxed in tax year 2012, 13 and 14। acha yaar, ab ये जो स्काई ब्लू वाली, स्काई पिंक है ना, सॉरी पिंक ही नजर आ रहा है ना ऊपर आपको कलर, ये जो पिंक वाली लाइन है ये तो लॉ का रूल है, पिंक वाली लाइन जो है ये तो लॉ का रूल है, येलो वाली लाइन जो है ना, येलो वाली लाइन वो असल में 5 साल नहीं है,
वो आप 2 साल भी लगा देना किताब लिखने पे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। वो आप 2 साल भी लगा देना किताब लिखने पे तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे 2021 है, 2022 है, एक बंदे ने 2021 और 22 में 2 साल लगा के किताब लिखी। अब इसको जो पैसे मिले, इसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि 2022, 21 और 20 में इसको गिरा दे। तो ये 3 साल वाली बात लॉ का रूल है, और किताब लिखने पे ऑथर को कम से कम कितना अर्सा लगना चाहिए? 2 साल। तो येलो वाली लाइन बताएं मिनिमम कितने साल की होनी चाहिए? जब येलो वाली लाइन 2 साल की होगी तो क्या बेनिफिट मिलेगा? कि वो जो पिंक वाली लाइन है वो तो मस्त 3 साल की होगी, उसमें तो ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 2 है, उसमें तो मस्त 3 साल है। तो इनकम को गिराया कितने सालों में जाएगा, यानी डिवाइड कितने सालों से किया जाएगा? 3 सालों में। ऑथर को कितना टाइम लगे? 5 लगे, 6 लगे, 7 लगे, 8 लगे, 9 लगे, 4 लगे, 3 लगे, 2 साल लगे, बस 2 साल से कम नहीं। 23 महीने भी लगे फिर भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कम से कम ऑथर को कितना टाइम लगना चाहिए? 24 महीने। क्लियर होगी होगी बात शायद। तो वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी काम आप कर रहे हो, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 महीने। 2 साल जिंदगी के उसने खपा दिए, क्या शाहकार बनाया होगा उसने। एक्सीड 24 महीने, तो 24 महीने वाले को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, 24 महीने वाले को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 साल 1 दिन जरूर आपने किताब पे लगाना है। तो एक्सीड 24 महीने, द बंदा या द ऑथर, द बंदा मे चूज, जैसे चूजा चूज करता है, मे चूज। लंप सम कितना मिला इसको? लंप सम 6, ठीक है। ये मैं वैसे अपने लिए लिखता हूँ ना चीजें, आप लोगों के लिए। अच्छा, इलेक्ट का मतलब क्या? चूज, मे चूज एनी लंप सम। लंप सम कितना? लंप सम उसे क्यों कहा जा रहा है? इकट्ठा मिला ना। मे चूज एनी लंप सम अमाउंट रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर। इन अ टैक्स ईयर कौन सा है? 2014। मिला किस साल में है? 2000। इन अ टैक्स ईयर एज रॉयल्टी। इस पैसे का नाम क्या होता है जो किताब पे मिलता है? रॉयल्टी फॉर द वर्क, उसके काम की उसको रॉयल्टी मिली है। द ऑथर मे इलेक्ट एनी लंप सम अमाउंट रिसीव्ड एज हैविंग बीन रिसीव्ड इन दैट ईयर 2014 एंड पिछले 2 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन, उस साल और पिछले 2 साल, तो टोटल कितने साल बन गए? 3 साल बन गए। इन दैट टैक्स ईयर, वो वाला साल, और उसके बाद उसने क्या लिखे? पिछले 2 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? 6 मिलियन को बस हमने 3 से फिर डिवाइड करना है। एज हैविंग बीन का मतलब है एज्यूम, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, एज हैविंग बीन, जरा इसको ऐसे करके पढ़े, एज्यूम रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर एंड द प्रीसीडिंग 2 टैक्स। इट विल बी एज्यूम्ड भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, फॉर द वर्क एज्यूमिंग इट इज रिसीव्ड, बिल्कुल एज्यूम का लफ्ज आप पेपर में लिख सकते हैं, रॉयल्टीज फॉर द वर्क एज्यूमिंग, बोले एज्यूमिंग इट इज रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर, क्योंकि अजम्पशन ही है ना, हकीकत तो ये नहीं है। हकीकत क्या है कि उसे किस साल मिले हैं? 2014 में पैसे मिले हैं, हकीकत है। ये लाइन पढ़े और साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, आप बताएं वो माइनर चाइल्ड है या नहीं? सारे बड़े हो गए हैं, कोई माइनर चाइल्ड नहीं इधर बैठा, 18 साल से कम वाला कोई भी नहीं है।
2004 वाला कोई बैठा हुआ था 2004 में दुनिया में आया हो? 2005 वाला बैठा हुआ कोई? 2003 वाला? 2003 वाला 90s के तो नहीं होंगे, 2002 वाले? अच्छा चलें छोड़ें। दो हजार 21 वाला कोई बैठा हुआ? माइनर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। साल के एंड पे खड़े होकर उससे पूछने, साल खड़े होकर पूछने, साल के आखिरी दिन खड़े होकर पूछने, पुत्र कितने साल दा हो गए हैं? अंकल मैं अभी 17 साल का हूं। चल पुत्र जा, माइनर चाइल्ड। अच्छा जी, पिछली दफा वाला सवाल चला दें या कोई नया सवाल बना के चलाएं? कॉन्सेप्ट तो वही है, हद हो गई, नया सवाल। अच्छा जी, ये सवाल पढ़ें जी। सवाल है माशाल्लाह, आंसर भी मौजूद है। सवाल को छुपा देते हैं, आंसर को छुपा देते हैं। पढ़ें जी सवाल। मिस्टर तैमूर भाई की उम्र कितने साल है? 13 साल। इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी कमाई? 10 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी कमाई? ठीक है, कोई नहीं, 13 साल की उम्र में माशाल्लाह बच्चा कमाने लग गया, कोई नहीं, बच्चा बड़ा हो गया। टैक्सेबल इनकम निकालनी है तैमूर की। किसकी इनकम निकालनी है? तैमूर वो खेलता है क्रिकेट जो सड़क पर खेल रहा होता है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है तैमूर की। एज्यूमिंग बिजनेस इज एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, किसी की डेथ हुई घर में, उसके जरिए इसको बिजनेस मिला, ये कौन सी अजम्पशन है? पहली। और सेकंड अजम्पशन क्या है? बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में उसे बिजनेस नहीं मिला, उसने थोड़े बहुत को पैसे पॉकेट मनी जोड़ के, पॉकेट मनी माशाल्लाह उसको 50,000 मिलती थी, तो उसने पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के अपना ही सेटअप बना लिया और दो चार मोबाइल खरीद के बेचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल खरीद के बेचने पर आ गया, तो आजकल गाड़ियों का सोच रहा है। तो बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, दो ऑप्शंस हैं। तो जाहिर बात है बिजनेस आपको पता है दुनिया में दो ही तरह होते हैं, या किसी को विरासत में मिले होते हैं या कोई अपना बिजनेस खुद करता है। तो सवाल नोट कर लें, फिर इसके सलूशन की तरफ आते हैं। जल्दी कीजिएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। Do not take more than 1 minute. जो बंदा नोट कर ले हाथ खड़ा कर दे। एक एक साहब ने नोट कर लिया, दो दो लोगों ने नोट कर लिया, बाकी अभी तक फूल बूटे ही बना रहे होंगे। मिस्टर तैमूर का एम ऐसे ऐसे और पता नहीं क्या कर रहे होंगे। चलिए जी, इट्स ओवर। अच्छा, अब आपने ना सॉल्यूशन गौर से समझना है। अगर उसने बिजनेस किससे एक्वायर किया जी? इनहेरिटेंस से। तो तैमूर ने कितना कमाया जी? 10 लाख। तो तैमूर ने कितना कमाया? 10 लाख। अच्छा, अगर उसने बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन, अगर उसने इनहेरिटेंस में एक्वायर नहीं किया, यानी कि किसी की डेथ नहीं हुई, कुछ जिंदा होंगे, वालदैन जिंदा होंगे,
फिर क्या करे, इनहेरिटेंस में एक्वायर नहीं किया, फिर क्या करे, एड 10 लाख इन। अब अम्मी या अबू की इनकम में से किस में ऐड करें, अब ये सवाल है, अम्मी की इनकम में ऐड करें अबू की इनकम में ऐड करें, हु हैज हाईएस्ट। अम्मी अबू को खड़ा करके देखें कौन किसका कद लंबा है, उनकी इनकम में तैमूर की इनकम ऐड कर दें, क्या करें, डैड कमा रहे हैं 25 लाख, मॉम कमा रही है 22 लाख, तो 10 लाख किसकी इनकम में ऐड करें, डैड की इनकम में ऐड करें, ठीक है, जो ज्यादा कमा रहा है। तो अब असूल बता दें क्या होगा, अगर बिजनेस बोले 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 इनहेरिटेंस से मिला, असल में ना इनहेरिटेंस के पीछे ये है, कई दफ़ा वालिद वालदा दोनों भी फोत हो जाते हैं तो बच्चों को पैसे मिलते थे, तो लॉ मेकर कहता है फिर तो तुम खुद ही टैक्स दिया करो इनहेरिटेंस की वजह से ना, इसने ये थोड़ी सी लॉजिक है बता रहा हूँ, लॉजिक वैसे लॉ का पार्ट नहीं होती, ऐसी थोड़ी सी वजह बता रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस में कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी नहीं बचता, तो इसलिए लॉ मेकर ने थोड़ा सेफ एंड पे रहते हुए कह दिया तैमूर बस 10 लाख पे अकेले में जाके बैठो और 10 लाख पे देख लो, टेबल खोल के, टेबल खोलो, उसमें देखो 10 लाख कहाँ गिरा है, बस इस पे तुम खुद ही टैक्स दे दो। लेकिन अगर बोले बोले विरासत से तुम्हें कारोबार नहीं मिला तो क्या करो, 10 लाख पकड़ो और ऐड करो अब्बू की या अम्मी की इनकम के अंदर, और वो ऐड करके फिर जो टोटल इनकम बनेगी, से अब्बू की 25 लाख है, इसकी 10 लाख है, तो 25 जमा 10, अब 35 लाख के ऊपर टेबल जाके लेट लगेगा और फिर उस पर टैक्स देंगे, वो अब्बू की मर्जी अपनी तरफ से दे दें या बेटे से लेके दे दें, वो इनके घर का मामला है, घर तक हम नहीं जाते। तो नोट कर ले, और प्लीज लॉ की लॉजिक का कोई बंदा सवाल ना पूछे, लॉ तो खुद हर 6 महीने साल बाद बदला होता है, वो तो खुद एहसास करते हैं, नहीं यार ये बात मुझे ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए थी, इसलिए तो जो लास्ट टाइम बच्चे पढ़े हैं वो इस टाइम उनको दोबारा क्लासें लेनी पड़ी अगर पेपर नहीं दे सके, क्योंकि लॉ बदल गया। डन, ओके जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ मुन्ना इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बुजुर्ग हु हैज द हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम, अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इफ बिजनेस इज एक्वायर्ड थ्रू, ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा जब बिजनेस किससे एक्वायर कर लें, इनहेरिटेंस से। देखें देखें जरा फोकस करें, इसको क्या हो गया, अगर बिजनेस इनहेरिटेंस से एक्वायर कर लें तो ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा। देखें अगर बिजनेस इनहेरिटेंस से एक्वायर करें तो ये वाला रूल जो पड़ा है नहीं लगेगा, फिर क्या करेंगे, तैमूर को दे, समझ आई बात, दोबारा पढ़ें, दिस रूल विल नॉट अप्लाई वेयर बिजनेस इज एक्वायर्ड थ्रू, ये वाला रूल जब बिजनेस किससे एक्वायर किया हो तो फिर इनहेरिटेंस के सूरत में इसको ये टैक्स खुद ही देना पड़ेगा, क्लियर। पास्ट पेपर्स पे आए, Mm-hmm.
मिस्टर दानिश्वर, अल्लाह अकबर, क्या नाम रखे हैं मियाँ अबू ने। आ रिनाउंड ऑथर कंप्लीटेड हिज बुक्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, लोग कैसे बिहेव करते हैं रिजल्ट आने पे, इस पर उसने पूरी किताब उठा के लिख दी। और शहजादे ने 2.5 साल लगाए इसके ऊपर। तो बता दें जी, येलो वाली लाइन या पिंक वाली लाइन? येलो वाली लाइन। 2.5 साल लगाए उसने, 5 साल लगाए थे येलो वाली लाइन। इस शहजादे ने कितने साल लगाए? He received a lump sum amount of 9 lakh in May 2000। ये May 2016 कौन सा साल बनता है भाई? मई के बाद कौन सा 30 जून आता है, ये सोच लिया करें, बात खत्म है। मई के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 16। तो ये टैक्स ईयर कौन सा है? 16। तो आप 3 साल बताएं जो पिंक से बनेंगे, 16, 15 और 14। तो 2.5 साल इसने बुक पे लिखने में लगाए, तो 9 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे, हर साल कितना कितना लाख जाएगा इनकम में? 3-3 लाख। ये इसके पास पहले लॉ की प्रोविजन लिख के आएंगे और फिर उसके बाद लिखाएंगे कि इन दिस केस 3 लाख विल बी, बोले बोले आगे, इन दिस केस 3 लाख विल बी टैक्सेबल इन टैक्स ईयर 2000, बोले बोले 16, 15 एंड 14। इस तरह लिख के आएंगे, क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन 28। करें जल्दी, हाँ जी बताएं। क्या नाम है इसका जी? जीन फ्रेंक्विज। अच्छा, जीन फ्रेंक्विज अ फ्रेंच डिजाइनर, ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान, आता जाता रहता है पाकिस्तान, जैसे डैड का घर है इधर, फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है यार, हाँ यार, मोस्ट वेलकम, तुझे लोर दिखाएंगे। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट, पिछली दफा पाकिस्तान आया, फ्रॉम 10 जुलाई 2008 टू 25 फरवरी 2009। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जे एफ फॉर टैक्स ईयर 2009, अज्यूमिंग दैट कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज। ओए होए 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 होए, गेम तो ऑन हो गई है, ये तो पहली दफा ऐसा हुआ है। कमिश्नर कहते हैं तू कैलेंडर ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर बना ले, कैलेंडर ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर बना ले। क्या मतलब? फिर इसका टैक्स ईयर एंड कब होगा? 31 सितंबर को। कैलेंडर ईयर का क्या मतलब है? 31 सितंबर को। यार अब ये जरा ऐसे ही ना, मैं आपके सामने 2 साल लिख रहा हूं, 1 जनवरी 2008 लिखा हुआ है उसमें, मैं भी 1 लिख देता हूं, से 31 सितंबर 2008। ये भी तो कैलेंडर ईयर है ना। इसी तरह 1 जनवरी 2009 से, बोले बोले बोले, 31 सितंबर 2009। तो ये दोनों मैंने आपके सामने कैलेंडर ईयर लिखे हैं। अच्छा, वैसे आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, वैसे ही इसको डिनोट कैसे करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर को? इस डेट के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, इस डेट के बाद कौन सा? भाई आपको कोई माइकल, कोई कोई अच्छा बच्चा बता सकते हैं इस डेट के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 2009 आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2009। और इसके बाद कौन सा आ रहा है? टैक्स ईयर 2010। वैसे असूल ये होता है कि अगली दिहाई शुरू हो जाए ना, तो इसको फिर वाई से डिनोट करते हैं, लेकिन फिलहाल आप छोड़ें, ये मैंने किसी दिन डिस्कशन करनी है सारी, ये एक्स और वाई कभी कभी आई कैप यूज़ कर रहा है, ये मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन। तो इसको 2000 लिखते हैं, क्योंकि अब अगला साल शुरू हो गया ना, अगली दिहाई शुरू हो गया अगले 10 साल वाला, तो फिलहाल मैं इसको 2010 ही लिख रहा हूँ, 2010 आपके समझने के लिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि यार ये जो है लफ्ज़ क्या है, किस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने बताना है?
टैक्स ईयर 2000, यानी हमारे जहन में ये वाला नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है कोई बच्चा गलती से सोचा हो, अच्छा 2009, हाँ 2009 यकम जनवरी 9 से 31/12/9, हाँ ये कैसे हो सकता है। यकम जनवरी 9 से अगर आप 31/12/9 करेंगे तो क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर तो फॉल करिए 31/12/9 को, तो 31/12/9 तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2010 शुरू हो चुका है। तो इसलिए अगर आपको याद हो मेरी बात की, एक रूल ऑफ थंब बताया था आपको, आसान तरीका याद रखने का, 31/12/9 के बाद कौन सा 30 जून आने, तो ये तो टैक्स ईयर 2010 है और वो किसका स्टेटस पूछ रहे, यानी कि टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर 2009 का मतलब मुझे बता दें क्या है। सवाल कह रहे हैं ना स्पेशल टैक्स ईयर 2009, स्पेशल टैक्स ईयर 2009 मुराद है यकम जनवरी, बोले बोले यकम जनवरी 8 से लेके 31/12/8, बस आप इतना सा लिख लें 2009 को अंडरलाइन करके, 2009 का ये मतलब है। कंफ्यूजिंग सा था, थोड़ा परेशान हो सकता था अगर जरा स्ट्रांग बुनियादें ना होती, नींव कहते हैं आप घर की इसको, बुनियादें बुनियादें स्ट्रांग ना होती तो हिल जाना था थोड़ा सा। ओके जीन फ्रेंकुइस साहब, अब इन 12 महीनों में हमने देखने आपका स्टे कितना है, तो वो गिन लेते हैं, गिन लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी को इग्नोर करूंगा मैं, वो तो अगला साल शुरू हो गया ना, क्योंकि इसका कैलेंडर ये स्पेशल टैक्स ईयर है। तो जुलाई 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 कितने बन गए, मैं दोबारा गिन लेते, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो मेरे तो 23 बन रहे हैं, मैं गलत गिन रहा हूँ यहाँ पे, ये कितने होते हैं 18 19 20 21 22, हाँ 22 22 22 31 30 31 30 175। चलें जी, आज पहली दफा आपको थ्योरी का सवाल का जवाब लिखना सिखाने लगा हूं, तो लिखना शुरू करें। आज पहली दफा थ्योरी के सवाल का जवाब सिनेरियो बेस का लिखवाया जाना सिखाने लगा। पहले तो आप डेफिनेशन लिख के आएंगे, एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, पहले तो आप डेफिनेशन लिख के आया करेंगे, वो जो आपने अच्छे तरीके से याद की भी है, एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, जल्दी जल्दी जल्दी, इफ ही इज प्रेजिडेंट पाकिस्तान, बी क्विक, एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, If he is present in Pakistan for a period of or period amounting in aggregate to for a period of or period amounting in aggregate to 183 days or more. For a period of or period amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year. अच्छा, जो किसी वजह से नहीं साथ लिख पाए वो यहाँ resident individual के घर जाके definition लिख दीजिएगा, full stop, अगली line, अगली बात जरा सबने लिखनी है। In this case, he is using special tax year 2009. That is yakam January 2008 to bole yakam January 2008 to 31 December 2008 aisa hi hai. Therefore he will be considered as non resident as his stay is, therefore he will be considered as non-resident as his stay is for a period of less than 183 days.
फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 183 डेज या फॉर 175 जो भी आप लिखना चाहें, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 183 डेज ज्यादा बेहतर लफ्ज है, एज कैलकुलेटेड बिलो, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 180 एज कैलकुलेटेड बिलो, और नीचे ये लिख दें बस, नीचे ये लिख दें जुलाई 22 अगस्त 31 और टोटल कर दें 175। ठीक है भाई, खत्म करो क्लास, पॉज करके नोट कर लें ऑनलाइन वाले।